What's up YouTube family, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। सो गाइज, आज का वीडियो रहेगा अनबॉक्सिंग के ऊपर। मैंने कुछ आइटम्स जो है अपनी जीटी के लिए मंगवाई थी, तो वन बाई वन जो है आपके सामने रिवील करता हूँ, उनको अनबॉक्स करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट जो है आप देख सकते हो, बेसिकली ये फिनिशर किट है, मैं आपको सामने सारे दिखा देता हूँ। ये मैंने चार चीज़ें लेके आई, एंड इसके साथ जो है बेसिकली मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ इसका जस्ट नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉल दोनों करके आपको दिखाऊंगा, वो रहेगा माइक। तो फटाफट जो है पहले रॉयल इनफील्ड की एसेसरीज दिखा देता हूँ फटाफट आपको। सो गाइज, ये देख सकते हो, ये चलो इसको खोलते हैं पहले, इसको ओपन करते हैं। अनबॉक्स मैंने कर दिया था पहले, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये है स्पूल्स, आपने सुपर बाइक्स वगैरह में देखे रहेंगे, और ये रॉयल इनफील्ड के शोरूम में मिल जाएगा आपको। एंड ये स्पूल्स जो है पेडॉक स्टैंड लगाने के लिए, तो आप देख सकते हो। तो ये जो है दोनों मैंने लिए हैं, और इनके साथ दो बोल्ट आते हैं, और इसका प्राइस है 850। एंड नेक्स्ट जो है मैंने लिया है आपका यस रियर शॉकअप का जो है फिनिशर किट बोलते हैं इसको। सो बेसिकली ये सारी एसेसरीज को फिनिशर किट का ही पार्ट बोलते हैं। सो ये देख सकते हो, ये रियर शॉकर के लिए जो है मैंने ये फिनिशर किट जो है तो ये मंगवाया मतलब ये बाइक क्या है। तो इसके साथ भी छोटे छोटे दो बोल्ट आते हैं, और ये एलन की बोल्ट्स होते हैं। सो ये आ गया, और इसका प्राइस है 1100 रुपीज़। ठीक है, तो ये इनको साइड करते चलते हैं। एंड नेक्स्ट जो है आपका यस बार एंड के साइड के जो फिनिशर किट है, ये उसका पार्ट है, तो ये भी दिखा देता हूँ। आप देखोगे तो रॉयल इनफील्ड में साइड में कॉर्नर में जब इनको इंस्टॉल करूँगा, तो तब आपको वन बाय वन करके दिखा भी दूंगा। आज तो अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, और बेसिकली इसके ऊपर बेस नहीं है वीडियो, ये वीडियो है माइक के ऊपर ही। तो फटाफट जो है मैंने कहा वीडियो बना ही रहा हूँ, तो ये भी आपके सामने अनबॉक्स कर देता हूँ। तो इसके साथ भी ये बोल्ट आते हैं, और इसका प्राइस है 1250 रुपीज़। ठीक है गाइस, और ये मेरे को 25% फ्लैट में डिस्काउंट मिला है। और नेक्स्ट जो है मैंने दो सनग्लासेस लिए हैं रॉयल इनफील्ड के ही, तो अभी लॉन्ग ट्रिप है मेरा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ये भी मैंने लिया है, और ये कॉस्ट किया है मेरे को 3000 रुपीज़, और इसमें भी 25% जो है मेरे को डिस्काउंट मिला है। तो आप देख सकते हैं ये रॉयल इनफील्ड का सनग्लासेस, और इसका जो है फिट एंड फिनिशिंग जो है ना सुपीरियर, जिसे बोल सकते हो आप टॉप नॉच। और ये बेफ्रेट लिया है मैंने, आप देख सकते हो कैसा लग रहा है। सो चलो इसको जो है लगा के वीडियो बना लेते हैं अभी। सो इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो भी आपके सामने दिखा देता हूँ फटाफट। ये लिया है मैंने मैक्स लेंस मोड, तो ये बासु भाई ने मेरे को जो है बोला कि लेके जाओ, बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसका यूज़ भी जहाँ पे मैं जा रहा हूँ लॉन्ग ट्रिप पे, वहाँ पे यूज़ करेंगे। और आपको एक बार दिखा देता हूँ इसमें क्या आता है, और ये काफ़ी चीप प्राइस में पड़ा मेरे को, तो एक बार इसको भी दिखा देता हूँ। आपको किसी को भी चाहिए तो बासु भाई का वीडियो देखा रहेगा आपने, तो उसमें जाके आप ये सब जो है बाय कर सकते हो चीप प्राइस में। ठीक है गाइस, और बासु भाई का नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, मेरे प्रीवियस वीडियो देखे रहेंगे आप। तो ये बात है गाइस, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है जिसके ऊपर जो मेन वीडियो बनाया है मैंने, अच्छा उससे पहले फटाफट ये भी अनबॉक्सिंग कर देता हूँ गाइज। ये रिमेंबर कि मैंने जीटी में जो है अपने इंडिकेटर और टेल लाइट जो है इंस्टॉल किया था, उसके लिए मैंने जो है ये हीट श्रिंक टेप, मतलब ट्यूब, सॉरी टेप बोलता हूँ हीट श्रिंक ट्यूब, तो ये मैंने ऑर्डर की थी, तो ये आ गया है जहाँ पे हमने जॉइंट किया था इंडिकेटर्स में, तो वहाँ पे इनको जो है इंस्टॉल करेंगे। तो कैसे करेंगे आपको दिखा दूँगा। अच्छा, अब आगे बारी माइक की, और उससे पहले मैं ले लेता हूँ अपना हेलमेट। अच्छा, बेसिकली मैंने ये वीडियो इसके लिए ही बनाया है, माइक के लिए। आपने मेरा वीडियो देखा रहेगा, तो ये बासु भाई ने रिकमेंड किया था, तो ये वाला माइक जो है इसका कंपनी का नाम देख सकते हो बेनरो करके है। ठीक है, किसी को चाहिए तो कैमट्रॉनिक्स इंडिया जो बासु भाई का स्टोर है, तो ये माइक अगर आपको चाहिए तो बासु भाई को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और वहाँ से बाई कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। इसके अंदर जो मैंने माइक फिट किया है वो मैंने लिया था अमेजोन से, तो उसका जो है मैं साइड में लगा देता हूँ, आप देख लेना। मनोयो कुछ ऐसा करके कंपनी थी, अभी मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा, ऐसे कुछ नाम था। तो इसका इशू क्या हो रहा है, तो इस माइक में इशू क्या आ रहा है, जैसे मैं बोलने जा रहा हूँ तो स्टार्ट जैसे करता हूँ कि हेलो व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, तो उस टाइम पर क्या हो रहा है कुछ वर्ड्स जो है ना फट रहे हैं, तो उसके बाद जो है अपने स्टैंडर्ड लेवल पर आ रहा है ये माइक।
तो बहुत इरिटेशन हो रहा है कि हर वर्ड को जो है मेरे को दो दो तीन तीन बार मेरे को जो है बोलना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो ये इशू मैं झेल नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी लॉन्ग ट्रिप पे जाना है तो उसके लिए आपको एक पास प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने जो है इस माइक को जो है निकाल के इसको इंस्टॉल करने का सोचा है, सोचा क्या ये बसु भाई ने रिकमेंड किया है, बहुत ही सही माइक है। तो ये था वो माइक, आपको एक बार दिखा देता हूँ निकाल के, ये देख सकते हो। तो ये माइक था वो, तो इसको जो है करते हैं टाटा बाय बाय, ठीक है। और अब इंस्टॉल करेंगे इसको, और मैं बता देता हूँ, ये देख सकते हो आप, इसका कनेक्टर भी बहुत अच्छा है, ये देख सकते हो आप। तो ये टू पिन कनेक्टर है, और इसका माइक जो है निकाल के दिखा देता हूँ, ये देखो आप, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ आपको। सो इसका जो है मोटो ब्लॉग का मैं सैंपल भी डाल दूंगा लास्ट में। तो थोड़ा अभी बाहर बहुत ख़तरनाक बारिश हो रही है, मुंबई में मानसून आ गया ख़तरनाक तरीके वाला, एनीवे पसीना भी बहुत आ रहा, फटाफट वीडियो को बनाते हैं। सो गाइज ये देख सकते हो, ये है थ्री पिन और ये है टू पिन, ये माइक में जाएगा, जो आपका जो अडेप्टर है, माइक अडेप्टर है बेसिकली, तो उसमें जाएगा। एक मिनट मैं उसको भी लेके आता हूँ। ये देख सकते हो, ये है आपका माइक अडेप्टर, ठीक है, इसमें चला जाएगा ये कनेक्टर। सो जिसकी ये कनेक्टर क्या रोल प्ले करता है, आपके जो ऑडियो क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी नहीं, जो ऑडियो लिसनिंग है वो स्टीरियो में कर देता है, मतलब आपके दोनों कान में सुनाई देगा। अगर आप डायरेक्टली लगाते हो तो एक कान में ही सुनाई देगा और आपकी वॉइस भी प्रॉपर नहीं आएगी, ठीक है, तो बीच बीच में मिसिंग करता है, ये प्रॉब्लम रहता ही रहता है। और इसका ब्रांडिंग भी देख सकते हो यहाँ पे। तो ये थ्री पिन वाला जो है आपका इस कनेक्टर में चला जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो ऐसे, ठीक है, और ये डायरेक्टली चला जाएगा आपके माइक अडेप्टर में, सी। सो ये बात है गाइस, अब जो है इसको इंस्टॉल करता हूँ और नेक्स्ट जो है आपको जो है एक बार जो है मोटो ब्लॉग करके दिखा देता हूँ छोटा सा। तो गाइस आपको कैसा लग रहा है, आप सुन सकते हो, अभी जो है मैं क्रूज कर रहा हूँ 80 की स्पीड में, एंड कैसी आ रही है वॉइस तो आप जो है कमेंट कर सकते हो। अभी मैं 2 मिनट के लिए चुप होता हूँ, चलो इसके बाद चुप होता हूँ और आप एग्जॉस्ट का नोट कैसा आ रहा है वो भी साथ साथ में सुन लेते हैं। बाकी जो है अगर आपको ये माइक लेना रहेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, तो आप वहाँ पे जाके जो है कांटेक्ट कर सकते हो बासु भाई को। सो ये बात है, अभी जो है हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और जो है प्रॉपर वॉइस नोट सुनेंगे। अभी खड़े खड़े को कैसी आवाज़ आ रही है और चलते को, आप डिफरेंस जो है समझ सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे को और डेड कैट्स इसके ऊपर चढ़ानी पड़ेगी। अभी एक लेयर चढ़ाया मैंने बेसिकली, सो देखते हैं। और इसके बाद सीधा जा रहा हूँ मैं पनवेल, हंटर का जो है रिव्यू तो नहीं बोल सकते लेकिन उसका एक टेस्ट राइड लेके आते हैं एंड बाकी की चीज़ें देखते हैं। चलो गाइज आपको कैसे लगा एग्जॉस्ट नॉट, और फर्स्ट टाइम कैमरे में कैप्चर कर रहा हूँ कि ये वाली ट्रेन, यहाँ से बहुत रेयर ट्रेन जाती है ये, और ये लोकल है बेसिकली। ये नया प्लेटफॉर्म बना है यहाँ पे बामन डोंगरी, तो उसके लिए है, आप देख सकते हो लोकल मुंबई की। सो ये बात है गाइज, मैं पहुँच गया हूँ NMMC में एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहेगा। अच्छा लग रहेगा तो इसी नोट पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नाउ टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, एंड अपना नेशनल फ्लैग के साथ जय हिंद, बाय बाय।